वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं वहीं। भारत में मेक इन इंडिया को बल देने के लिए आज की तीन जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, मैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर आना चाहूँगा। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए पीएलआई स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है। आपको ज्ञात होगा इससे पहले भी पीएलआई स्कीम्स का बहुत लाभ मिला, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। एक समय था जब भारत दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। 14 सेक्टर्स में अलग अलग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लाई गई हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो, आईटी हार्डवेयर हो, फार्मा सेक्टर हो, स्पेशलिटी स्टील हो या फूड प्रोसेसिंग से लेकर ड्रोन के सेक्टर हो। लेकिन आज मैं अपने आप को, ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सोलो पीवी मॉड्यूल पे पहले आप पे आना चाहूंगा, जिसकी आज जैसे अप्रैल 2021 में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान पहली स्कीम में किया गया था और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलो पीवी मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहां पे बनाने की शुरुआत की है, जहां इसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो पहले ट्रांच की अगर मैं बात करूं तो। आज जिसके लिए मंजूरी दी गई वो क्यों जरूरी है, क्योंकि 2030 तक का जो लक्ष्य जो रखा है वो प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का रखा है और उसमें से बड़ा चंक जो है वो 280 गीगावाट का सोलर पावर का है और इसके लिए बड़ी मात्रा में सोलर पीवी मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान में इसे काफी हद तक आयात किया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है और इसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपया आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। अगर पिछले पूर्व अनुमोदित स्कीम में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑक्शन विंडो रखी गई थी और उसमें कंपनियों के चयन में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी गई थी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित करेंगे, यानी कि उसमें पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर एवं सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। लेकिन ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं और ये 3 विंडोज क्या हैं? पहली विंडो तो है फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर सेल एंड मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, ये एक विंडो रखी गई है। और दूसरी विंडो है वेफर से लेकर सेल्स एंड मॉड्यूल्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होगी, ये दूसरी विंडो है। और तीसरी विंडो में सेल और मॉड्यूल्स बनाने का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें लाभ क्या होगा, इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पीएलआई स्कीम का लाभ उठाएंगे और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि आयात में कमी आएगी और भारत निर्यात करने की दिशा में भी आएगा तो उसके लिए इस योजना का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और हर विंडो के अंतर्गत अधिक क्षमता वाले प्लांट्स को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ मिल सके और कम लागत पर हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स का उत्पादन देश में ही हो। कम से कम 1000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इससे देश में सोलर एनर्जी का उत्पादन कम लागत पर हो सकेगा। जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आपके प्लांट लगाने की कॉस्ट वही कम आ जाएगी तो इसका मतलब आपकी उत्पादन की कीमत भी कम आएगी। कंपनीज को मिनिमम परफॉर्मेंस की शर्त भी पूरी करनी होगी ताकि
भारत में ग्लोबल क्वालिटी के मॉड्यूल्स का उत्पादन हो सके, किसी कंपनी द्वारा भी बिड की कैपेसिटी का 50% ही पीएलआई स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। और जो कई बार आपका प्रश्न आता था कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को भी क्या इसमें अवसर मिलेगा, जी हां, ब्राउनफील्ड कंपनीज को भी ऐसे पीवी मैन्युफैक्चरर्स जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज जिनकी है उनको नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर खड़ी करनी है तो वो भी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और उनको इंसेंटिव राशि का 50% मिलेगा। और इस स्कीम के अंतर्गत इंसेंटिव उत्पादन शुरू होने के पहले 5 वर्ष तक मिलेगा, पहले साल सबसे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा और तदोपरांत हर वर्ष वो कम होता जाएगा ताकि 5वें वर्ष के बाद भी जब इंसेंटिव खत्म होता है तो हमारी कंपनीज कंपीट कर सके, मार्केट में इंडस्ट्री कंपिटेटिव हो सके, उस दृष्टि के साथ इसको रखा गया है। सो जैसा मैंने कहा कि इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए सोलर पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन के लिए लगभग 94,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जिससे प्रतिवर्ष 65 गीगावाट सोलर पावर के लिए फुल्ली इंटीग्रेटेड पार्शली इंटीग्रेटेड पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन की क्षमता का सृजन किया जाएगा और लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और लगभग 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर जॉब्स मिल सकेंगी जो कि एंसिलरी या बाकी एक्टिविटीज या पैकेजिंग लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होंगी। सो इस योजना से रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि उसको स्वदेश में ही बनाएंगे भी, जो हमारे सोलर पीवी मॉड्यूल्स है और सोलर प्लांट लगाकर ग्रीन और क्लीन एनर्जी का यहां पर काम भी होगा और इससे भारत आत्मनिर्भर भी होगा। दूसरा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी जिसको आप कहते हैं, कैबिनेट ने वर्ष 2021 में सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम में बड़ा निर्णय लिया था ताकि यहां पर हमारे आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी बल मिल सके और दुनिया भर में जो सेमीकंडक्टर्स की कमी या जो सप्लाई में कमी आई कोविड के टाइम पर भी और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई उसके कारण भी, अगर आज भी अगर आप भारत में देखें तो भारत की अपनी ही खपत बहुत है और जितनी खपत है हम शायद वो सारा ही इम्पोर्ट भी करते हैं और आने वाले समय में लगभग वो 30-40% और बढ़ने वाली है। तो प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तथा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम अनुमोदित किया गया था, जिसके अंतर्गत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जिसको हम सेमीकंडक्टर फैब्स भी कहते हैं, दूसरा डिस्प्ले फैब्स और तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड पैकेजिंग तथा सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ जो हमारी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी के मॉडर्नाइजेशन और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का प्रावधान भी है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये 2 गुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।